नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं झारखंड के सुर्खियों पर। झारखंड में सरकार गिराने के नाम पर सियासत गर्म, विधायकों को प्रलोभन देने के मामले में जेएमएम भी सतर्क। राजस्थान में कांग्रेस के भूकंप के झटके के बाद अब झटके महाराष्ट्र और झारखंड में भी। निशिकांत दुबे मामले में बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, राज्यपाल को लिखा पत्र। झारखंड में शीघ्र ही प्रखंड स्तर पर शुरू होगी कोरोना जांच, हेमंत सोरेन। 16 वर्षीय झारखंड की बच्ची से कराया जा रहा था बिना वेतन का काम, दिल्ली महिला आयोग ने कराया रेस्क्यू। झारखंड में मातृत्व मृत्यु अनुपात 76 से घटकर 71 हुआ, सुधार में राज्य का स्थान छठा। झारखंड में 77 असिस्टेंट टाउन प्लानर की वैकेंसी। झारखंड में मिले कल 117 कोरोना पॉजिटिव, 3 लोगों को हुई मौत, अब तक पॉजिटिव की संख्या 4676। ट्विटर पर छलक रहा इरफान अंसारी का दर्द, मंत्री नहीं बनाए जाने पर किया कटाक्ष, भाजपा ने ली चुटकी। हेमंत सोरेन को फिया फाउंडेशन ने किए मेडिकल किट्स, हर 3000 सैंपल की होगी जांच। खबर धनबाद से, रंगदारी मामले में ढुल्लू महतो के खिलाफ कोर्ट ने लिया संज्ञान। खबर झारखंड के गढ़वा से, गढ़वा में बिना मास्क पहनकर बाहर निकलने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। रांची में 4 थानेदार कोरोना संक्रमित, पश्चिम सिंहभूम के 1 कोरोना संक्रमित की हुई मौत। कल जारी होगा झारखंड इंटरमीडिएट का रिजल्ट। खबर गुमला से, गुमला में मैट्रिक का एक छात्र साइंस में नहीं हो सका पास, डिप्रेशन में आकर की खुदकुशी। खबर गोड्डा के पोड़ियाहाट से, कोरोना संक्रमित 50 वर्षीय महिला की हुई मर्सी हॉस्पिटल में मौत। अब खबर देश दुनिया से, केंद्र से मिलने वाले मुफ्त राशन में बदलाव, अब कितने किलो चावल और कितने किलो मिलेगी गेहूं, उसके लिए जानेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बड़ी खबर, मोदी सरकार 20 जुलाई को लागू कर सकती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आपको पहली बार मिलेंगी ये अधिकार। अगले 3.5 सालों में भारतीय रेलवे में होगा 100% विद्युतीकरण, पीयूष गोयल ने दी जानकारी। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल, आत्मनिर्भर भारत के लिए मील का पत्थर, वैज्ञानिकों का भरोसा। मोदी सरकार के चीन पर एक और चोट, कृषि यंत्रों के आयात पर लगाई अंकुश। कोरोना वायरस का वैक्सीन आते ही हम उसे देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे, बोली नीता अंबानी। इधर कांग्रेस में सचिन की नो एंट्री, आला कमान ने बंद किए दरवाजे, कुछ विधायक कल घोषित होंगे अयोग्य, पायलट समर्थक एमएलए फिर से आएंगे पार्टी में। खबर बिहार से, 29 दिन के भीतर ध्वस्त हुआ 263 करोड़ की लागत से बना पुल, सीएम नीतीश ने किया था उद्घाटन। पीएम किसान, 2000 रुपये की पिछली किस्त नहीं मिली तो यह भी नहीं मिलेगी, अगर जानेंगे विस्तार से। एक और बड़ी खबर, देश में पहली बार पटना एम्स में युवक को दिया गया कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज। रांची के गंदूरा उरांव बने बिहार झारखंड के सर्वश्रेष्ठ किसान, कृषि अनुसंधान परिषद ने किया सम्मानित। 10 लाख पार हुआ देश में कोरोना संक्रमितों की आंकड़ा, रिकवरी रेट में भी आया उछाल। देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन की तैयारी, सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। अब खबर विस्तार से, झारखंड में हेमंत सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा द्वारा कांग्रेस के विधायकों को प्रलोभन देने का आरोप लगाए जाने के बाद सूबे का राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। उधर कांग्रेस के आरोपों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी कान खड़े हो गए हैं। खबर शराब के छापेमारी पर, झारखंड के जामताड़ा में बुधवार को एक के बाद एक सभी शराब दुकानों में छापेमारी से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस को शराब के बड़े कारोबारी योगेंद्र तिवारी के खिलाफ गड़बड़ी की सूचना मिली थी। बीजेपी नेताओं ने पूरे मामले में झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से हस्तक्षेप करने की मांग की है। इस मामले में प्रदेश महामंत्री
प्रदीप वर्मा और बोकारो विधायक वीरंची नारायण ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। झारखंड इंटरमीडिएट विद्यार्थियों का इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। झारखंड के इंटरमीडिएट का रिजल्ट आज घोषित होने वाली है। राज्य के शिक्षा मंत्री इस रिजल्ट को आज दोपहर 1 बजे ऑनलाइन घोषित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब 8 दिन बाद होम क्वारंटाइन से बाहर निकलकर गुरुवार को झारखंड मंत्रालय पहुंचे। इस दौरान झारखंड मंत्रालय में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से लगभग 3.28 करोड़ रुपए का मेडिकल किट से किया फाउंडेशन की ओर से मुख्यमंत्री को दिया गया। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने इस सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानव तस्करी से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया है। उन्होंने दिल्ली के हरिनगर से बरामद ट्रैफिकिंग की शिकार गुमला निवासी 16 वर्षीय बच्ची की सकुशल वापसी के लिए झारखंड के पुलिस महानिदेशक MB राव और गुमला के डिप्टी कमिश्नर को दिया था निर्देश। इधर केंद्र सरकार ने 6.25 लाख गरीब राशन कार्ड धारियों को मिलने वाले मुफ्त राशन में बदलाव किया है। अब इन उपभोक्ताओं को प्रति व्यक्ति 2 किलो चावल 3 किलो गेहूं मिलेगा और प्रति कार्ड 1 किलो काला चना मिलेगा। कोरोना के चलते पहले उपभोक्ताओं को 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल और प्रति कार्ड 1 किलो मुफ्त काला चना मिलता था। चीन को आर्थिक झटका देने के लिए मोदी सरकार चीनी आयात पर अंकुश लगाने पर लगातार प्रयास कर रही है। अब सरकार ने चीन के पावर टिलर और उसके कल पुर्जों के आयात पर अंकुश लगाया है। मुकेश अंबानी की पत्नी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सीता अंबानी ने पहली बार रिलायंस AGM को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना संकट में रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से किए जा रहे सामाजिक कार्य की जानकारी दी। कल जो दरवाजे खोले थे आज उसी आला कमान ने उन दरवाजे बंद करने का आदेश दिया है, जिसके बाद सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी का नामुमकिन हो गया है। इधर PM किसान सम्मान निधि योजना की 6ठी और इस साल की 2री किस्त किसानों के बैंक खातों में जल्दी आने वाली है। अगर आवेदन करने के बावजूद आपके खाते में पिछली किस्त नहीं पहुंची है तो समझ जाएं आप उन 70 लाख किसानों में से हैं जिनके डॉक्यूमेंट में मामूली गड़बड़ी है, जैसे किसी का आवेदन लिखा गया नाम आधार से मिसमैच से जो किसी का बैंक अकाउंट है, किसी ने आधार नंबर सही नहीं डाला है तो किसी ने बैंक का IFC कोड। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।